हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर, राजस्थान CHO और राजस्थान CHO का एग्ज़ाम बहुत पास में है, बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि अगले महीने फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्ज़ाम कन्फर्म है, ठीक है। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहना, लगातार मेहनत करता रहना, बीच में डीमोटिवेट होना, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ कि सफलता पाने के लिए, जी हाँ, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं। जी हाँ, अपने आप में विश्वास बना लो, अपने आप में विश्वास बना लो कि मैं एग्ज़ाम फाइट कर सकता हूँ। और आप ज़रूर कर पाओगे, आप ज़रूर कर पाओगे। इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहना, बीच में डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। और एक जब सुबह उठो शाम सो, तब जब भी आप पढ़ो तो एक बात ज़रूर सोच लेना कि मेरी जिद मुझे बनना है। जी हाँ, मेरी जिद मुझे बनना है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर ये चीज़ आपने माइंड में रख ली ना, तो आपका 100% एग्ज़ाम फाइट होगा, आप बीच में डीमोटिवेट मत हो, ठीक है। तो लगातार ना, और आज का अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, आज का अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी की टर्मिनोलॉजी, हाँ जी, कम्युनिटी की जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको हर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करती है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक दो नंबर इसके आते हैं। तो पूरा इस टर्मिनोलॉजी को मैं आसान भाषा में हिंदी एंड इंग्लिश में आपको बताऊँगा। पूरा वीडियो देखना, कहीं स्किप नहीं करना। पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो पहली अपनी टर्मिनोलॉजी है दोस्त, पहली अपनी टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, एंडेमिक। जी हाँ, एंडेमिक, ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जिसमें ये एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक पूछा ना गया हो। तो इसको मैं आज पूरा आपको हिंदी में क्लियर कर दूंगा, तो पूरा ध्यान से सुनना इसको कि एंडेमिक किसे कहते हैं। तो एंडेमिक द डिजीज विच इज द लोकलाइज इन द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। जी हाँ, कोई भी डिजीज़ जो क्या लोकलाइज पर, जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया विद हायर नंबर ऑफ केस रेदर देन एरिया, ठीक है। तो जब कोई भी डिजीज़ एक स्थान पर होगी और उसके केस सबसे ज़्यादा उसी स्थान पर देखने को मिलेंगे बजाय बाकी के स्थान पे, तो उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक। यानी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, यानी एक जगह, जैसे मान लो कोई भी केस, मान लो कि जयपुर के अंदर है, सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर है, और जैसे जयपुर अभी क्या गंगानगर में एक केस है और अलवर में एक केस है, ऐसे ऐसे जयपुर में सबसे ज़्यादा है और सभी जिलों में छोटे छोटे थोड़े थोड़े केस है, तो उसे क्या कहेंगे, एंडेमिक। यानी सभी जिलों के बजाय एक जिले में ज़्यादा केस हो, जैसे जयपुर में ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे, एंडेमिक। यानी द डिजीज विच लोकलाइज ए पर्टिकुलर एरिया, नहीं जियोग्राफिकल, तो उसे क्या कहें, एंडेमिक, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, एंडेमिक का अर्थ यही होता है कि कोई भी डिजीज एक पर्टिकुलर एरिया में होगा और उसके केस एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होंगे, और जो बाकी के एरिया है, बाकी की जगह है, उनमें थोड़े बहुत केस होंगे, तो उसे कहा जाएगा एंडेमिक। याद रखना, ये पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट है एपिडेमिक। जी हाँ, एपिडेमिक बहुत इंपॉर्टेंट, एपिडेमिक के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि एपिडेमिक का अर्थ क्या होता है, एपिडेमिक, ठीक है। तो एपिडेमिक का अर्थ होता है ब्रस्ट आउट, हाँ जी, कोई भी डिजीज़ को ब्रस्ट आउट होना, यानी किसी भी बीमारी का फट जाना, नंबर ऑफ केस इन हाई, जैसे अभी कोविड 19 के केस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ना, तो वो क्या है, एक एपिडेमिक एक्ट लागू हो गया ना, कोविड 19 एपिडेमिक लागू हो गया ना। तो इसी की तरह एपिडेमिक का अर्थ है नंबर ऑफ केस इन हाई, यानी ब्रस्ट आउट, कोई भी डिजीज़ का ब्रस्ट आउट यानी फटना, तो उसे कहा जाता है एपिडेमिक। किसी भी बीमारी का फट जाना क्या कहा जाता है, एपिडेमिक कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आपसे पूछ लग सकता है कि फर्स्ट एपिडेमिक कब लागू हुआ, तो आपको जवाब देना, फर्स्ट एपिडेमिक इन इंडिया जिन प्लेग, हाँ जी, फर्स्ट एपिडेमिक इंडिया के अंदर प्लेग लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो 1896 में लागू हुआ, प्लेग 1896 में लागू हुआ, ठीक है। कहाँ लागू हुआ, तो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार, बिहार के अंदर क्या लागू हुआ, एपिडेमिक लागू हुआ पहला, कब लागू हुआ, तो आपको जवाब देना 1896। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप नोट कर लेना मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एपिडेमिक एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है। ये 1896 तो एपिडेमिक लागू हुआ, बाद में एक एपिडेमिक एक्ट बन गया इंडिया में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एपिडेमिक एक्ट कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज इन पास, हाँ जी, 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज इन पास। हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, CHO में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको नोट कर लेना, ये हर एग्ज़ाम में आता है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आई होप आपको मैंने पूरा सिंपली हिंदी में बताया, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
पूरा ध्यान से सुनना, मैं इस टॉपिक को मैं कहता हूँ, ये इसी टॉपिक पर, इसी बेस पर पूरी कम्युनिटी टिकी है, इसी टॉपिक पे पूरी कम्युनिटी टिकी है, क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर एपिडेमिक पेंडेमिक ये हर टॉपिक के अंदर आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पेंडेमिक, हाँ जी नेक्स्ट है पेंडेमिक, हाँ जी पेंडेमिक के बारे में आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी नॉर्थ से 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया हो किसी ने, तो वहाँ पर यह पूछा गया था कि पेंडेमिक का अर्थ क्या होता है। तो जब कोई भी बीमारी ट्रांसफ़र एक देश से दूसरे देश में हो तो उसे क्या कहलाता है, पेंडेमिक कहलाता है। जब कोई भी बीमारी का ट्रांसमिशन एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसे क्या कहलाता है, पेंडेमिक कहलाता है। जैसे वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन, हाँ जी पेंडेमिक, जैसे चाइना से COVID-19 फैला और चाइना से इंडिया के अंदर आ गया, चाइना से इंडिया में आ गया, तो यानी एक देश से दूसरे देश में आया ना COVID-19, तो COVID-19 क्या है, एक पेंडेमिक डिजीज़ है, COVID-19 क्या है, एक पेंडेमिक डिजीज़ है, ठीक है। तो आपको याद रखना, जब कोई भी डिजीज़ एक देश से दूसरे देश में पहुँचती है, ठीक है, कैसे भी रूट से, तो उसे कहा जाता है पेंडेमिक कहलाता है। ये बात याद रखना, पूरा मैंने हिंदी में बताया, भूलना ना नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि पेंडेमिक का अर्थ क्या होता है। तो आपको जवाब देना कि जब कोई भी बीमारी का ट्रांसमिशन एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसे कहलाता है पेंडेमिक, और इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि चाइना से क्या फैला, COVID-19 फैला, और ये इंडिया के अंदर, यूएस, अमेरिका, पूरे जितने भी देश वहाँ फैल गया, तो ये क्या कहा, पेंडेमिक कहला गया। आई होप मैंने पूरा सिंपली बताया, आपको समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको समझ में आया है ये, ठीक है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरेडिक, हाँ जी नेक्स्ट है स्पोरेडिक, नेक्स्ट क्या है स्पोरेडिक, जब किसी भी बीमारी का सेक्रेटरेट यानी छितराई हुए केस इन डिजीज, हाँ जी, तो इसे कहा जाता है स्पोरेडिक। जब जैसे मान लो कि एक केस यहाँ पे है राजस्थान में, एक केस है बिहार में, एक केस है तमिलनाडु में, एक केस है गुजरात में, यानी कि छिदे केस है, एक एक दो दो केस है बीमारी के, उससे कहा जाता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक के बारे में याद रखना, जब कोई भी बीमारी यानी छितराए हुए केस डिजीज मिलती है, छितराए इंग्लिश में आए, अगर छितराए हुए अगर वहाँ इंग्लिश में आएगा तो वहाँ पर लिखा होगा सेक्रेटरेट, हाँ जी। जब ऐसे कोई भी डिजीज जो छितराए हुए केस यानी सेक्रेटरेट केस मिलते हैं उसे कहा जाता है स्पोरेडिक, यानी छिदे केस मिलते हैं, हर राज्य में एक दो केस मिलते हैं, उसे कहते हैं स्पोरेडिक। ये याद रखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है हेरेड इम्यूनिटी, हाँ जी हेरेड इम्यूनिटी आपसे पूछा जाएगा, जब किसी स्पेसिफिक स्पेसिस एंड पीपल में इम्यूनिटी होना, तो उसे क्या कहा जाता है, हेरेड इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे कोई भी जाति के अंदर कोई भी किसी भी डिजीज के प्रति क्या हो, एंटीबॉडी हो, किसी भी डिजीज के प्रति क्या हो, एंटीबॉडी हो, तो इसे क्या जाता है, हेरेड इम्यूनिटी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना, हर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है केस फर्टिलिटी रेट, हाँ जी CFR केस फर्टिलिटी रेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जवाब देना, सर केस फर्टिलिटी रेट के का अर्थ होता है किसी भी बीमारी से मरने वालों लोगों की संख्या, हाँ जी किसी भी बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, उससे क्या कहलाता है, केस फर्टिलिटी रेट कहलाता है। याद रखना, केस फर्टिलिटी रेट भी हर टॉपिक के अंदर ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि केस फर्टिलिटी रेट का क्या अर्थ होता है। तो आपको जवाब देना, किसी भी बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहलाता है, केस फर्टिलिटी रेट कहलाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि रेबीज में CFR कितनी है, 100% है, क्योंकि अगर रेबीज हो गया तो अगर आपने इम्यूनाइजेशन नहीं किया, वैक्सीन नहीं लगाया, तो उसके अंदर डेथ 100% होती है, तो वो किस में आएगी, केस फर्टिलिटी रेट में आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट अपना है कि सेकंड अटैक रेट, हाँ जी नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि सेकंड अटैक रेट किसे कहते हैं। ये सभी कंफ्यूज करने वाली टर्मिनोलॉजी होती है, आप इनको पूरा ध्यान से समझना कि सेकंड अटैक रेट किसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि सेकेंड अटैक रेट का अर्थ होता है कि किसी भी पर्सन से डिजीज से कितने लोगों से फैली, हाँ जी एक पर्सन से कोई भी डिजीज कितने लोगों से फैली। जैसे अब एक या COVID-19 का पेशेंट पॉजिटिव है, तो उससे कितने लोगों से COVID-19 फैला, उसे कहते हैं सेकेंड अटैक रेट, यानी एक पर्सन से कितने लोगों में डिजीज फैली, उसे कहते हैं सेकेंड अटैक रेट। मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया, मैं फिर कहता हूँ, मेरे जो भी स्टूडेंट है वो भूलेगा नहीं इस टर्म को, ठीक है। और नेक्स्ट है सेकेंडरी अटैक रेट, ये देखो दोनों सेम टर्म है, तभी तो मैं बोला कि कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है सेकेंडरी अटैक रेट का अर्थ होता है जो बीमारी एक बार होने पर दोबारा नहीं होती, जो बीमारी एक बार होने के पर दोबारा नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी अटैक रेट, उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी अटैक रेट। और सेकेंड अटैक रेट का अर्थ होता है कि एक पर्सन से डिजीज से कितने लोगों में फैली, उसे कहते हैं सेकेंड। और सेकेंडरी का अर्थ होता है जो बीमारी एक बार होने पर दोबारा नहीं होती, उसे कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट, ठीक है। जैसे
ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे चिकन पॉक्स लाइफ में एक बार होता है, उसके बाद चिकन पॉक्स नहीं होता, तो उसका ठीक है। तो आपको याद रखना चिकन पॉक्स यानी सेकेंडरी अटैक रेट है, ठीक है। और सेकंड मैंने बता दिया आपको, आई होप आपको सेकंड और सेकेंडरी के बारे में आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना डियर, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। लाइक करना और मेरी क्लास को आपके पास जितने भी नर्सिंग के ग्रुप है और नर्सिंग के फ्रेंड है उनमें शेयर ज़रूर करोगे, ये मुझसे वादा करोगे, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरा ये काम ज़रूर करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आइसोलेशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है आइसोलेशन, आपसे पूछा जाएगा कि आइसोलेशन का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना आइसोलेशन का अर्थ होता है कि जो पर्सन डिजीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद जिसमें साइन एंड सिम्टम आ गए उसे इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उसे अलग रखना, आइसोलेशन रखना, उसे क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है। जी हाँ, जो एक पेशेंट के हैं कि कोविड-19 पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ गया, ठीक है, और वह क्या उसके साइन सिम्टम उसमें भी साइन एंड सिम्टम आने लगे, परंतु उसको कम्युनिटी से, उसे समुदाय से, बाकी के लोगों से अलग रखना, उसमें साइन सिम्टम आ रहे हैं परंतु उसको अलग रखना ताकि और में फैले ना कोई भी डिजीज, तो उसे कहा जाता है आइसोलेशन। राजस्थान सीएचओ में ऐसे ही टर्म बनती है, आपसे ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, मैं ये टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, उसमें एक या दो टर्मिनोलॉजी ज़रूर आएगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्या है क्वारंटाइन, आपसे पूछा जाएगा कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो क्वारंटाइन का अर्थ क्या है। आई होप आपको कोविड-19 के बारे में पता है पूरा और क्वारंटाइन के बारे में पूरा पता है, फिर भी मैं एक आपको बता देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो आपका। तो क्वारंटाइन का अर्थ है कि जो पर्सन हेल्दी है यानी स्वस्थ है और वह किसी भी बीमारी वाले व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, जी जैसे कोविड-19 का पेशेंट के संपर्क में आ गया परंतु वो क्या पहले वाला जो कॉन्टैक्ट में आया वो क्या हेल्दी है और पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया परंतु उनमें कोई भी अभी लक्षण नहीं है, कोई भी उसमें साइन एंड सिम्टम नहीं है उस डिजीज़ के प्रति, तो उस परिवार के लोगों से या समुदाय से उसे अलग रखना उसे क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उसे अलग रखना, उसमें कोई भी साइन सिम्टम नहीं है परंतु वह कोविड-19 के पेशेंट में संपर्क में आ गया तो उसे अलग रखना क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। और कोविड-19 का इंक्यूबेशन 2 से 14 दिन होता है, 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है, ये बात आपको याद रखना क्वारंटाइन के बारे में, और याद रखना ये टर्म आपको पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड से पहले एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप मेरे वीडियो देखो तो उस वीडियो पर क्या आती है, एड आती है थोड़ी सी, 5 सेकंड की 10 सेकंड की एड आती है, ठीक है, जैसे जोमेटो को किसी की, उस एड को स्किप नहीं करना, अगर मेरे स्टूडेंट है तो वो स्किप नहीं करेगा, क्योंकि उस एड से ही मुझे थोड़े बहुत पैसे अर्निंग अभी चालू हुई है और अर्निंग मुझे चालू होगी तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बनाऊंगा, ये याद रखना, उसी मनी से मैं टेस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि YouTube से जितनी भी मेरी कमाई होगी या आप मुझे PDF खरीदोगे उसका पैसा केवल आपके ऊपर ही लगाऊंगा, इसलिए मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी एड आएगा उसको पूरी देखना, स्किप नहीं करना, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ जी, इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको जवाब देना कि इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिजीज एजेंट एंड अक्रियंस ए फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इन द बॉडी। हाँ जी, जब भी कोई भी पेशेंट एक डिजीज़ के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, और कांटेक्ट में आने के बाद जब पहला साइन एंड सिम्टम उस पेशेंट के अंदर शो होगा तो उसके साइन सिम्टम शो होने तक के पीरियड को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, ये बात याद रखना आपको इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। नेक्स्ट है प्रोडर्मल फेज। नेक्स्ट क्या है प्रोडर्मल फेज, ये क्या है डिजीज़ की स्टेज बता रहा हूँ मैं, पहला इंक्यूबेशन पीरियड, नेक्स्ट है प्रोडर्मल फेज, ऐसे ग्राफ चलता है, ठीक है। तो प्रोडर्मल फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर पेशेंट को सो कॉमन साइन एंड सिम्टम परंतु क्लिनिकल कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जैसे विडाल फर्स्ट वीक के अंदर अपने उस क्लिनिकल कन्फर्मेटरी डायग्नोज नहीं कर सकते ना, उसको ही कहा जाता है प्रोडर्मल फेज। इस फेज के अंदर पेशेंट में सो कॉमन साइन एंड सिम्टम तो शो करेगा परंतु कोई भी क्लिनिकल कन्फर्मेटरी नहीं कहेंगे कि ये पेशेंट में ये बीमारी है, तो इसे क्या कहेगा प्रोडर्मल फेज कहेगा, ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट है फास्टिज्म। नेक्स्ट क्या है फास्टिज्म, और फास्टिज्म का अर्थ होता है कि इसमें मरीज की कन्फाइंड तो शो करेगा क्लियर साइन एंड सिम्टम, डायग्नोज भी इजी पॉसिबल है, पीक लेवल ऑफ साइन एंड सिम्टम यानी कोई भी डिजीज़ का पीक लेवल क्या कहलाता है फास्टिज्म कहलाता है, ये बात याद रखना, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और एम्स RRB ESI जितने भी एग्ज़ाम है ये पूछा गया है कि
फास्ट ईजीएम का अर्थ क्या होता है तो आपको जवाब देना। इसमें मरीज कन्फाइंड तो शो करेगा, कन्फाइंड का अर्थ है कन्फर्मेटरी साइन सिम्टम तो शो करेगा, क्लियर सिम्टम शो करेगा और डायग्नोज भी इजी पॉसिबल हो जाएगा, डायग्नोज भी क्या हो जाएगा इजीली पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ब्लड टेस्ट करोगे तो उसके अंदर जो आप एंटीबॉडी देख रहे हो वो स्पष्ट रूप से डायग्नोज हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी पीक लेवल ऑफ साइन एंड सिम्टम आपसे पूछ ले तो भी क्या कहना आपको फास्ट ईजीएम कहलाता है, क्या कहलाता है फास्ट ईजीएम कहलाता है, ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट है डेप्रिवेंशन। नेक्स्ट क्या है डेप्रिवेंशन। हाँ जी, डेप्रिवेंशन का अर्थ क्या होता है, डेप्रिवेशन का अर्थ होता है कि रिकवरी स्लो। हाँ जी, जब साइन एंड सिम्टम आने के बाद जब अपने ट्रीटमेंट करते हैं उसका रिकवरी होने लग जाती है तो उसका क्या कहता है डेप्रिवेंशन, और डेप्रिवेशन का अर्थ होता है रिकवरी स्लो। ठीक है, किसी भी मरीज ठीक होने लगता है परंतु रिकवरी क्या धीरे धीरे होती है, उस ठीक क्या होता है वो धीरे धीरे होता है, और पेशेंट बोलता है मैं कुछ सही हूँ, पेशेंट क्या कहता है मैं कुछ ठीक हूँ पहले से, तो उसे क्या कहता है डेप्रिवेशन कहलाता है। ये पूरा ग्राफ ही है। ठीक है, इन ग्राफ की टर्मिनोलॉजी आप याद करना, ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है हर एग्जाम में। ठीक है, और इन टर्मिनोलॉजी पर ही टिकी है कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या है कन्वर्ज, इसका अर्थ कहता है रिकवरी फास्ट। इसमें क्या होता है रिकवरी फास्ट होता है, रिकवरी फास्ट, बट वायरस अभी क्या है अंदर है बॉडी के, केवल क्या सप्रेस हुआ है, आपने ट्रीटमेंट किया है उसके अंदर वायरस क्या हो गया अभी सप्रेस हो गया, परंतु वायरस अभी पूरा तरह से गया नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है कन्वर्ज कराता है, इसका क्या होता है रिकवरी फास्ट होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है डेफिकेशन। नेक्स्ट क्या है डेफिकेशन। नेक्स्ट क्या है डेफिकेशन, इसका अर्थ है फ्री फ्रॉम ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या पूरा वायरस जड़ से खत्म हो गया और पेशेंट क्या एकदम सही हो गया, इसमें क्या हो गया पेशेंट एकदम सही हो गया, पेशेंट एकदम सही हो गया। ठीक है, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी थी किसकी कम्युनिटी की, ये जो मैंने बताई है अभी इंक्यूबेशन पीरियड प्रोडर्मल पीरियड, ये हर किसी को याद नहीं रहती, मैं फिर कह देता हूँ चाहे कोई भी बंदा हो उसके याद नहीं रहती, ये भूल जाते हैं, तो आप पूरा इसको ध्यान से सुनना, अपने पेन कॉपी में लिख लेना। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आता है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है सीएचओ एग्ज़ाम के लिए और आपको ये सभी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो या आपसे छूटे, तो इसलिए मैं हर चीज़ आपको वो प्रिपेयर कराऊँगा जो राजस्थान सीएचओ में आएगी। ठीक है, इसी विश्वास के साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।